हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पेरेंट्स, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एक ऐसे ड्राई फ्रूट्स के बारे में जो सर्दियों के मौसम में बच्चों के लिए बहुत ही असरदायक है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि बादाम बच्चों के लिए कितना ज़रूरी होता है। बादाम ना केवल बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, बल्कि फिजिकल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बादाम में विटामिन्स, गुड फैट, मिनरल्स बहुत अच्छी क्वांटिटी में होती है। ये बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में और वेट गेन बढ़ाने में और इसके साथ साथ बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ही अच्छी मदद करती है। साथ ही इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर हम बच्चे को बादाम सही तरीके से उनके डाइट में दें तो बच्चे का वेट गेन बहुत जल्दी हो जाएगा, इसके साथ साथ इम्यूनिटी पावर का भी बूस्ट हो जाएगा। तो पेरेंट्स, आज की वीडियो में मैं बताऊंगी आपको बच्चों को बादाम किस तरीके से खिलाना, उसके चार उपाय जो कि बच्चों के वेट गेन को बहुत जल्दी बढ़ाएगा और बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप के। एंड में मैं बताऊंगी कि किस समय में आपके बच्चे को बादाम नहीं खिलाना। तो पेरेंट्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टिप्स है कि 8 महीने से आप अपने ऊपर वाले बच्चे को बादाम दे सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा कि स्टार्टिंग में बच्चे को जो बादाम दे रहे उसका क्वांटिटी बहुत कम होना चाहिए। आप अपने बच्चे को स्टार्टिंग में प्यूरी बना के दे सकते हैं। प्यूरी को बहुत अच्छे से बच्चे खा लेंगे, क्योंकि 8 महीने के बच्चे प्यूरी पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। दूसरा टिप्स है कि बादाम का पाउडर बनाकर दूध में मिलाकर दे सकते हैं, या फिर उसके खाने में मिलाकर आप उसे दे सकते हैं। किसी भी फॉर्म में अपने बच्चे को पाउडर मिलाकर दे सकते हैं। इस पाउडर को बनाना बहुत ही आसान है, बहुत आसान तरीका है। तो आपको पहले करना क्या होगा, बादाम को ड्राई फ्रूट को अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेना। अगर आप इसमें और ड्राई फ्रूट मिला सकते हैं तो आप ऑब्वियसली मिला सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आप ड्राई फ्रूट्स में मखाना, वॉलनट्स, ये सब भी डालकर ड्राई रोस्ट करके पाउडर बना सकते हैं। आपको करना क्या होगा कि आपको इन सभी को अच्छे से ड्राई रोस्ट करके मिक्सी में पीस लेना है। पर ध्यान देने की बात है कि मिक्सी को रोक कर चलाइए ताकि पाउडर अच्छे से बन जाए, और अगर इस तरीके से नहीं करिएगा तो बादाम तेल छोड़ने लग जाता है, जिससे कि पाउडर चिपचिपा हो जाएगा और पाउडर अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो इन सभी बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है बादाम का पाउडर बनाने वक्त। और आप पाउडर को बच्चों के लिए जो भी खाना बनाते हैं उसमें डालकर दे सकते हैं। खीर बना रहे, हलवा बना रहे, या फिर उसे दूध दे रहे तो उसमें भी डालकर पाउडर को दे सकते हैं। तीसरा टिप से वो सबसे अच्छा और आसान तरीका है बच्चे को बादाम खिलाने का, बादाम का सीरा बनाकर बच्चे को दे सकते हैं। बिल्कुल बादाम का सीरा खीर की तरह होती है, बच्चे इसे आराम से खाते हैं और ये बहुत हेल्दी होता है बच्चे के लिए, क्योंकि इसमें घी होता है, दूध होता है और ऊपर से आप इसमें हनी या गुड़ मिलाकर बच्चे को दे सकते हैं। बादाम का सीरा बनाने के लिए बिल्कुल खीर के जैसा तरीका होता है। बस बादाम को आपको रात भर भिगो के रख देना और सुबह में कद्दूकस करके आप इसे बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे चौथा टिप्स के बारे में, बादाम का दूध। बादाम का दूध भी बहुत टेस्टी होता है, साथ ही बच्चे इसे बहुत आसान तरीके से पी लेते हैं, क्योंकि ये आसानी होती है पीने में। तो चलिए बात करते हैं बादाम का दूध किस तरीके से दे अपने बच्चे को। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बस आपको लेना है एक भीगा हुआ बादाम और इसे दूध के साथ पीस लेना है और बच्चे को हनी या गुड़ मिलाकर आप इसे दे सकते हैं। सर्दियों के दिनों के लिए बादाम बहुत अच्छा है, छोटे बच्चों के लिए साथ साथ बड़ों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब हम बात करते हैं कि किस एज में बच्चे को बादाम खिला सकते। तो अब बच्चे को बादाम 8 महीने से ऊपर खिला सकते हैं, बस आपको ध्यान देना है कि क्वांटिटी कम करनी है। और अब हम बात करते हैं बच्चे को बादाम कब कब नहीं खिलाना। अगर आपका बच्चा का लूज मोशन हो रहा है, पेट खराब है, उस वक्त आप अपने बच्चे को नहीं दे सकते, और ज़्यादा गर्मी है तो गर्मी के मौसम में आप बादाम का क्वांटिटी बहुत कम करना है अपने बच्चों के लिए। सर्दी के मौसम में आप इसे दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत गर्म करती है शरीर को। तो सर्दियों के मौसम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है बादाम बच्चों के लिए, तो आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के हेल्दी टिप्स के साथ।